हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, रूसो का शिक्षा दर्शन। आज उसी पे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप बीएड, बीटीसी, जेबीटी, एमएड या एमए इन एजुकेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आते हैं दोस्तों, उन बिंदुओं की चर्चा करते हैं जिन बिंदुओं पर हम रूसो के शिक्षा दर्शन को पूरा का पूरा क्लियर करेंगे। हम दोस्तों जो बात करेंगे जन्म परिचय की, बालक की नैसर्गिक वृत्ति पर बल, प्रकृति पर बल, शिक्षा का उद्देश्य, स्वाध्याय पर बल, प्रकृति की ओर लौटो, विचार से पूर्व पदार्थ, प्राकृतिक मानव, बाल विकास की अवस्थाएं, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय, नकारात्मक शिक्षा और स्त्री शिक्षा। रूसो के ये जो थॉट्स हैं, जो पूरा का पूरा शिक्षा दर्शन है, हम इन्हीं बिंदुओं की दोस्तों चर्चा करेंगे। तो आते हैं दोस्तों बिना देर किए टॉपिक पे। ये रूसो का दोस्तों विचार था कि प्रत्येक वस्तु जैसी कि वह प्रकृति के सृष्टा के हाथ से आती है अच्छी होती है, परंतु मनुष्य के हाथों में आकर पतित हो जाती है। प्रकृति के सृष्टा के हाथ में जो नेचुरल जो चीज़ होती है दोस्तों, वो एकदम पाक साफ होती है, पावन होती है। लेकिन जब मानवीय समाज में वो चीज़ आ जाती है, मनुष्य के बीच में आ जाती है, तो वो पतित हो जाती है। ये रूसो का थॉट है। पूरा का पूरा इनका शिक्षा दर्शन इसी थॉट के इर्द गिर्द घूमता है। आते हैं जन्म परिचय पे। रूसो का जन्म इटली के जेनेवा नगर में 1712 में एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिताजी घड़ी सास थे और बच्चे की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। बालपन से रूसो को प्रकृति का सौंदर्य आकर्षित करता रहा। बाद में यह प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहा, जो शिक्षा विषयक सिद्धांतों में बाद में परिलक्षित हुआ। ये मार खाने के भय से स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल का ये परिहार करते थे, अवॉइड करते थे, किंतु ये पढ़ने के बहुत शौकीन थे। 6 वर्ष की आयु से वह सरस्वती के उपासक बन बैठे, किंतु विद्यालय जीवन उनके प्रतिकूल और अनाकर्षक होने के कारण, विद्यालय की जो जिंदगी थी उनके स्वभाव के बिल्कुल दोस्तों प्रतिकूल थी और अनअट्रैक्टिव थी। उसी के कारण यह विद्यालय शिक्षा को व्यर्थ कहते हैं। 21 वर्ष की आयु तक उनका जीवन अनिश्चित बना रहा। झूठे आरोप में उन्हें 4 वर्ष जेल में काटना पड़ा, जिससे उनके कोमल हृदय को काफ़ी ठेस पहुँची। 25 वर्ष की आयु में अध्ययन का इन्होंने आरंभ किया, साथ ही लेखन का भी प्रारंभ किया। दुखी व पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण लेख और मानव शोषण का इन्होंने जोरदार विरोध किया। 38 वर्ष की आयु में रूसो ने सन 1750 में निम्न रचनाओं का सृजन किया, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मैन, द न्यू हेलोइज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड एमिल। ये इनकी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिएशन रही हैं, किताबें रही हैं जो इन्होंने दोस्तों लिखा है। आगे बात करते हैं इनके शिक्षा दर्शन की। तो इनके शिक्षा दर्शन में बालक ही शिक्षा का केंद्र है, अच्छाई मौलिक गुण है हर एक बच्चे में और बुराई अर्जित की जाती है, क्योंकि इनको इनका ये मानना है कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति का जो सृष्टा है वहाँ होती है तो एकदम पावन होती है, लेकिन मानव के बीच में आकर वो पतित हो जाती है। साथ ही प्रत्येक चीज़ अच्छी है यदि वह प्रकृति से मिलती है। सदाचार, विवेक, उचित अनुचित, न्यायप्रियता, श्रद्धा और करुणा आत्मा के ये स्वाभाविक गुण हैं। ये मानव विकास की 4 श्रेणियाँ बताते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इन्हीं अवस्थाओं के अनुरूप शारीरिक, मानसिक, नैसर्गिक क्रियाओं के लिए सुअवसर देना ही शिक्षा का कार्य है। व्यक्ति स्वतंत्र इकाई के रूप में मूल्यवान है, उसे समाज की आवश्यकता की पूर्ति का साधन बनने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, ये जो मानव विकास, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, बेसिकली 4 इसकी स्टेजेस हैं। एक शैशवावस्था है, दूसरी बाल्यावस्था है, तीसरी दोस्तों किशोरावस्था है और चौथी प्रौढ़ावस्था है। इन्हीं स्टेजेस के अनुरूप शारीरिक, मानसिक और नैसर्गिक क्रियाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देना ही शिक्षा का कार्य है। व्यक्ति
इनका मानना है कि स्वतंत्र इकाई है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, उसका अपना अस्तित्व है और उसका अस्तित्व ज़्यादा मूल्यवान है बशर्ते कि वह समाज की आवश्यकता की पूर्ति का साधन दोस्तों बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। प्रकृति, मनुष्य एवं पदार्थ तीनों ही शिक्षा के साधन हैं। इनका ये मानना है कि जो नेचर है, जो मानव है और जो ये पदार्थ है, यही शिक्षा के साधन है। वास्तव में पौधे पोषण और मनुष्य शिक्षा से बढ़ते हैं। इनका मानना है कि पौधे का नरिशमेंट क्या है, पोषण, और इंसान का नरिशमेंट क्या है, एजुकेशन। एमिल इनकी, जैसे कि अभी मैंने कृतियों में बताया था, एमिल इनकी सुप्रसिद्ध कृति रही जिसके माध्यम से इनको विश्व के शिक्षाविदों में गिना जाने लगा। एमिल में वह लिखता है कि पीड़ा पहली वस्तु है जो बच्चे को सीखनी चाहिए और यह अनुभव उसके जीवन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, पीड़ा एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को लर्न करनी चाहिए। बच्चे को परेशानी से या पीड़ा से बचना नहीं चाहिए, ये जीवन निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे चलते हैं। द न्यू हेलोइज में वह लिखता है, ये भी एक कृति है इनकी, एक क्रिएशन है, बुक है, द न्यू हेलोए। द न्यू हेलोए में वो लिखते हैं कि बच्चे अपनी दुर्बलता, अक्षमता तथा निर्भरता को समझ आवश्यकता के उस भारी उत्तरदायित्व को उठा लें जिसने प्रकृति ने उन पर डाल दिया है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी न्यू हेलोए में लिखते हैं कि बच्चे अपने अंदर जो कमियां हैं, जो उसकी दुर्बलता है, जो उसकी अक्षमता है, जो उसकी दूसरों के ऊपर निर्भरता है, वो उसको बच्चे समझें और जो आवश्यकता है, जो उनसे जो आवश्यकता है, जो संभावनाएं हैं, उस भारी उत्तरदायित्व को वो उठा लें जिसे प्रकृति ने उन पर डाल दिया है। यही बच्चों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। वह कठोर परिश्रम का जीवन चाहते हैं जिसमें आराम, भोग व निर्बलता ना हो। रूसो का तात्पर्य यह है, पूर्ण जीवन वही है जो परिश्रम का जीवन हो, जिसमें भोग विलास और निर्बलता ना हो, वही एक पूर्ण जीवन है। और ये कठोर परिश्रम में विश्वास रखते थे। अब आते हैं शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य जीवन की सार्थकता, शिक्षा के उद्देश्य की दोस्तों जब ये बात करेंगे तो आपका ये कहना है कि जीवन की जो सार्थकता है वो सांस लेने तक ही सीमित नहीं है, जीवन कर्म है। अपने अंगों, ज्ञानेंद्रियों, क्षमताओं तथा उन अंगों का प्रयोग है जो हमें जीवित रहने की अनुभूति कराते हैं। जीवित रहने के लिए जो हम अपने अंगों का, सेंस ऑर्गन्स का, जो हमारे अंदर क्षमताएं हैं, उसका हम प्रयोग करते हैं, वही दोस्तों जीवन है। जीवन की सार्थकता उसी में है कि सारे बॉडी पार्ट्स हमारे जो हैं, जो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ हो, अच्छे से काम कर रहा हो, जो हमें जीवित रहने की अनुभूति कराते हैं। अधिक अनुभवी वह नहीं जो ज़्यादा दिन तक जीता है, बल्कि वह है जिसने पूर्णता से जीवन को जिया। इनके कहने का मतलब है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि आप कितने दिन जीते हो, लाइफ में नंबर ऑफ डेज नहीं इम्पॉर्टेंट है, हाउ होलिस्टिकली यू लिव दैट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य पूर्णता की प्राप्ति है। मेरी अभिलाषा यही है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति हमें निरीक्षण की कला से अवगत कराए जिसका माता पिता व शिक्षकों को अभी तक भी ज्ञान नहीं, और ये शिक्षा का सार है। दोस्तों, रूसो का ये कहना है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति ऑब्जर्वेशन की स्किल से शिक्षक को अवगत कराए, बच्चे को ऑब्जर्वेशन करके उस बच्चे के अंदर जो साइकोलॉजी है, बच्चे के अंदर जो नीड है, उससे हम रूबरू हो सकें। अभी ना तो माँ बाप जानते हैं, ना शिक्षक भी जानता है, और यही शिक्षा का सार है। आगे चलते हैं। बालक की मौलिक व स्वाभाविक शक्तियों के स्वतंत्रता पूर्वक, उदार पूर्वक विकास पर बल दिया इन्होंने, क्योंकि प्रकृति जीवन के कर्तव्यों का आह्वान करती है। जीवन यापन करना ही वह कला है जो उसे सीखना चाहिए। मैं यह मानता हूँ कि मेरे हाथों में से निकल जाने के उपरांत वह एक, दोस्तों यहाँ बात ये कह रहे हैं कि जो बालक है उसकी जो मौलिक यानी जो ओरिजिनल और उसकी नेचुरल जो कैपेसिटीज़ मिली हैं, उसको इंडिपेंडेंटली पूरा पूरा फ्रीडम दे करके उदारता पूर्वक विकास पर बल दिया, क्योंकि प्रकृति जीवन के कर्तव्यों का आह्वान करती है। प्रकृति जो हमारे अंदर जो विशिष्टता दिया है वो ये आह्वान करती है कि वो उसका विकास हो। जीवन यापन करना ही वह कला है जो उसे सीखना चाहिए, और ज़िंदगी हम कैसे जीते हैं इस आर्ट को हमें सीखना चाहिए।
मैं यह मानता हूँ कि मेरे हाथों में से निकल जाने के उपरांत, और रूसो का मानना है कि अगर इस दर्शन पे कोई चला तो ज़रूरी नहीं कि वो महज एक डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर ही हो जाए। ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान होना, एक परफेक्ट इंसान होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बशर्ते कुछ पद को लेकर के वहीं तक सीमित रह जाना। आगे चलते हैं दोस्तों, स्वाध्याय पर इन्होंने बल दिया है। हमें शब्दों की इन्होंने दोस्तों ये कहा है कि शब्द उतने आवश्यक नहीं हैं। शब्द हमें क्या करते हैं, अपनी वाचाल शिक्षा के द्वारा हम केवल वाचाल ही उत्पन्न कर सकते हैं। इन्होंने क्रियाशील या स्वाध्याय पर बल दिया और उन्होंने कहा शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम वाचाल शिक्षा अगर है तो हम वाचाल बच्चे ही पैदा करेंगे, वो क्रियाशील बच्चे नहीं होंगे। प्रकृति पर बल दिया, प्रकृति की ओर लौटो का रूसो ने नारा दिया है, बड़ा फेमस है दोस्तों, क्वेश्चन भी आता है प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया। बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुरूप हो, बच्चे के नेचर के हिसाब से उसकी शिक्षा हो, और इम्पॉर्टेंट बात है कि नेचर के हिसाब से तो बच्चे की शिक्षा हो ही, प्राकृतिक वातावरण में ही हो, नेचुरल सेटिंग में हो, जो उसके पर्सनैलिटी को होलिस्टिकली डेवलप करे। आगे चलते हैं दोस्तों, विचार से पहले यानी थॉट जो मन में होते हैं उससे पहले पदार्थ पर इन्होंने बल दिया। शिक्षा के तीन स्रोत माना, प्रकृति, मानव व पदार्थ, और उसके बीच में दोस्तों इन्होंने कोऑर्डिनेशन की भी बात कहा है कि प्रकृति यानी नेचर और इंसान यानी हम लोग और जो भौतिक चीज़ें हैं उन तीनों चीज़ों के बीच में समन्वय है, होना चाहिए। ये तीनों ही बालक में स्वाभाविक प्रवृत्ति, भावना और विकास के साधन हैं। ये तीनों ही चीज़ें जो बच्चे के अंदर भावना पैदा हो रही है, जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है, जो उसका डेवलपमेंट है, ये तीनों चीज़ें उसकी साधन है। आगे चलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक मानव पर बल देते हैं। प्राकृतिक मानव से तात्पर्य दोस्तों ऐसे मानव से है जो सामाजिक बंधनों से प्रचालित नहीं होता, बल्कि अपने स्वभाव से प्रचालित होता है। सामाजिक संबंधों से प्राप्त शिक्षा मानवीय है, वहीं अपने चारों ओर व्याप्त परिवेश से प्राप्त शिक्षा प्राकृतिक है, जो सच्ची शिक्षा है। तो इनका कहना है कि प्राकृतिक मानव पे दोस्तों ये बल देते हैं। आगे चलते हैं, अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षा। शैशव अवस्था में जन्म से 5 वर्ष की अवस्था है और शारीरिक विकास पर ये पूरा बल देते हैं। रूसो का मानना है कि समस्त दुष्टता जो भी इंसान में है वो निर्बलता से आती है, बालक को सबल बनाया जाए जिससे वह कुछ भी बुरा नहीं करेगा। 5 साल तक कह रहे हैं पूरी की पूरी तरीके से बच्चे को शारीरिक रूप से पुष्ट बनाना है, पूरा जैसे पशुओं में विकास होता है शारीरिक सक्षमता का, वैसे ही बच्चा 5 साल तक पूरी की पूरी तरीके से फुली ग्रोन बॉडी उसकी हो। आगे चलते हैं दोस्तों, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष की अवस्था है और ये परवेशी चीज़ों के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के विकास पर जोर देते हैं। जो सेंस ऑर्गन्स हमारी 5 हैं वो अपने चारों ओर जो नेचुरल सेटिंग्स हैं उसके माध्यम से वो 5ों ज्ञान की इंद्रियाँ विकसित हों। किशोरावस्था ये 12 से 15 वर्ष की अवस्था को मानते हैं। शरीर व ज्ञानेंद्रियाँ, शरीर तो शैशवावस्था में विकसित हो जाएगा, ज्ञानेंद्रियाँ बाल्यावस्था में विकसित हो जाएंगी, उसके उपरांत नियमित शिक्षा प्रारंभ ये करते हैं 12 से 15। लेकिन इसमें भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किशोर का व्यक्तित्व का विकास है, जो परिश्रम, आदेश और अध्ययन द्वारा होता है। यहाँ भी पुस्तकीय शिक्षा का दोस्तों जोर नहीं है। आगे चलते हैं, प्रौढ़वस्था ये 15 से 20 वर्ष की अवस्था है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भावनाओं का विकास है, क्योंकि रूसो का मानना है कि शरीर, इंद्रियों और बुद्धि का निर्माण हो गया। बुद्धि यानी किशोरावस्था में क्या होता है, परिवेश के माध्यम से बच्चे में अनुभव आता है और बुद्धि डेवलप हो जाती है, केवल हृदय शेष रह जाता है। तो 15 से 20 वर्ष की अवस्था जो होती है वो प्रौढ़ावस्था है, यहाँ पे हृदय का भी विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम शैशवावस्था में बालक की प्रवृत्तियों के अनुरूप होना चाहिए। बालक को एक लघु प्रौढ़ नहीं है बच्चा, जैसे एडल्ट है वैसे ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है, जैसे प्रौढ़ लोग होते हैं एडल्ट होते हैं, बच्चा छोटा एडल्ट नहीं है। उसकी प्रवृत्तियाँ जो होती हैं एक एडल्ट व्यक्ति से, प्रौढ़ से भिन्न होती हैं। बालक को पहले स्वस्थ व शक्तिशाली पशु ही बनने देना चाहिए। बाल्यावस्था में इन्होंने बात किया है, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया है। अनुभव द्वारा इंद्रियों का विकास, इंद्रियों के विकास से मानसिक विकास होगा। बाल्यावस्था में दोस्तों इन्होंने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध किया है और कहा है कि अनुभव जो हो, अनुभव से इंद्रियों का विकास हो, इंद्रियों के विकास से मानसिक विकास होगा, जो विवेक व तर्कणा को पैदा करेगा। खेलने कूदने, उठने बैठने, देखने सुनने का ही विकास बाल्यावस्था में होना चाहिए, इसकी आज़ादी मिलनी चाहिए। किशोरावस्था में पाठ्यक्रम जो है वो प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, लकड़ी का काम, चित्रकला, सामाजिक जीवन व व्यवसाय से संबंधित शिक्षा, इसमें भी पुस्तकों से अधिक इंद्रियों की शिक्षा। सब अभ्यास का लक्ष्य ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण है।
हस्तकला परिश्रम के साथ बुद्धि का विकास। आगे चलते हैं, युवावस्था बालकों में नैतिक शिक्षा पैदा करना है, अपनी क्रियाओं व दूसरों के व्यवहार से ये मिलती है हमें, और ये नैतिक शिक्षा धार्मिक शिक्षा उपदेश से नहीं मिलती बल्कि पौराणिक व धार्मिक कथाओं को सुनने से मिलती है। शिक्षण विधि शब्दों द्वारा मिले ज्ञान की तुलना में स्वयं क्रिया द्वारा सीखा ज्ञान अस्थाई होता है। बालक की विवेक शक्ति का जागरण हो ये इम्पॉर्टेंट है, ना कि स्मरण शक्ति का। बालक स्वयं निरीक्षण करे, अनुभव करे, अन्वेषण करे और उसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करे। ज्ञान मस्तिष्क में भरने के बजाय उत्सुकता बच्चे में हो, क्योंकि जिज्ञासा कौतूहल व अन्वेषण की वृत्ति से ही विज्ञान का सफल शिक्षण किया जा सकता है। रूसो के यही सिद्धांत शोध प्रणाली का दोस्तों बाद में आधार बने। स्व अनुभव द्वारा सीखना, 12 वर्ष तक एमिल को पुस्तक से दूर रखा गया। एमिल आप जानते हैं, एमिल एक कैरेक्टर है जो कि एमिल बुक में है, वो एक कैरेक्टर है, उसको 12 वर्ष तक उन्होंने पुस्तक से दूर रखा। पुस्तकों से घृणा, क्योंकि जो हम नहीं जानते पुस्तकें उसी के बारे में बताती हैं। अनुशासन की जब बात करते हैं तो दमनात्मक अनुशासन का ये विरोध करते हैं। अनुशासन का जो प्रकृति है वो मुक्तियात्मक अनुशासन होना चाहिए, यानी बच्चे को मुक्त छोड़ देना चाहिए और शिक्षक वहाँ पे प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को छोड़ करके शिक्षक केवल देखरेख करने वाला होना चाहिए, उसके ऊपर दमन करने वाला नहीं होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा के विरुद्ध हैं, विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसके ये विरुद्ध हैं। शिक्षा के लिए सामाजिक परिवेश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह दूषित होता है। माता पिता विद्यालय से अलग प्राकृतिक परिवेश में छोड़ा जाए बच्चों को, जहाँ शिक्षक उसकी देखभाल करें। विद्यालय हो भी तो यथासंभव सामाजिक पर जोर, जितना भी ज़रूरी हो थोड़ा बहुत सामाजिक पे फोकस करें, लेकिन परिवेश प्राकृतिक होना चाहिए। दोस्तों ये निषेधात्मक शिक्षा, इनका बहुत बड़ा फैक्ट है। निषेधात्मक शिक्षा की रूसो बात करते हैं, को उपयुक्त मानते थे वह विद्यालय शिक्षा का के विरोधी थे। बाल्यावस्था स्वयं साध्य है, बाल्यावस्था जो अवस्था है स्वयं अपने में पवित्र है, साध्य है, केवल भावी जीवन की तैयारी का ये साधन नहीं है। समय से पूर्व मस्तिष्क निर्माण पर जोर देना उचित नहीं है। अगर हम समय से पहले मस्तिष्क निर्माण पे जोर देते हैं वो विधायक शिक्षा है। बालक को प्रौढ़ के समान कार्य में निमग्न करना वही विधायक शिक्षा है, और उसके विपरीत जो भी परंपरागत विधि से दोस्तों शिक्षण कार्य चल रहा है वो विधायक शिक्षा है, और उसका उल्टा अगर हम बात करें तो वो नकारात्मक शिक्षा है, उसी की रूसो बात करते हैं। शिक्षा ज्ञान देने के पूर्व ग्रहण करने वाले अंगों को पुष्ट बनाना, ये जो नकारात्मक शिक्षा है वो ये बात करती है कि शिक्षा ज्ञान देने से पहले आप अंगों को पुष्ट बनाइए। इंद्रियों के उचित प्रयोग से विवेक शक्ति का जागरण होता है, वह गुण ना प्रदान कर दुर्गुणों से बचाती है। नकारात्मक शिक्षा गुण प्रदान करने की शिक्षा नहीं है। जो विद्यालयों में दोस्तों शिक्षा दी जाती है वो विधायक शिक्षा है। उसके विपरीत जब रूसो नकारात्मक शिक्षा की बात करते हैं तो गुण नहीं देते हैं बल्कि बच्चे को दुर्गुणों से बचाने की कोशिश करते हैं। गुण तो अपने आप विकसित हो जाएंगे। वह बालक को तब तक सत्य की ओर नहीं ले जाते जब तक कि उसमें सत्य को पहचानने व प्रेम करने की शक्ति न पैदा हो। स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो ये कहते हैं शारीरिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए, जो लेडी हो वो फुली ग्रोन हो, जैविक रूप से बिल्कुल सक्षम हो, क्योंकि जब वो जैविक रूप से सक्षम होगी तो वो जो भी एमिल में सोफी का कैरेक्टर है कि वो जैविक रूप से स्वस्थ होगी तो जो एमिल होगा वो वयस्क स्थिति में उसको पूरा का पूरा प्लेजर प्रोवाइड करेगी, और गृह कार्य में निपुण होगी तो घर का मैनेजमेंट अच्छा चलेगा, और उसके अलावा उससे जो आने वाली संतानें होंगी वो भी स्वस्थ होंगी। इसलिए इन्होंने सोफी के अंदर शारीरिक रूप से स्वस्थ एक वुमेन की कल्पना किया है, और गृह कार्य में निपुण हो जो भी हो, ताकि होम का मैनेजमेंट हो, नाच गाना अच्छे से सीखने वाली हो, यानी नाच गाना भी जानती हो म्यूज़िक, और ललित कलाओं में भी वो लेडी निपुण हो। नैतिक व धार्मिक शिक्षा पर भी जोर देते हैं। कन्या को माँ का, कन्या जो भी हो घर में वो माँ को फॉलो करे, और पत्नी को पति को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कुल मिला के इनकी परंपरागत या रूढ़िगत बातें हैं स्त्री शिक्षा के बारे में, लेकिन तब पर भी इनका पूरा का पूरा फोकस दोस्तों एमिल पे था। तो दोस्तों ये तो रही रूसो की का शिक्षा दर्शन, ये आपको कैसा लगा? अगर आपको ये अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से बेल आइकन आता है उसे प्रेस करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।